ठीक है, हम लोग ना डिस्कस कर रहे थे क्वालिटी एश्योरेंस ऑफ गामा कैमरा एंड एस्पेक्ट सिस्टम के बारे में। तो हमने एक लेक्चर ऑलरेडी रिकॉर्ड किया हुआ है, अभी क्या करेंगे कि उसका ना ब्रीफ एक बार देख लेते हैं कि अभी तक हमने क्या बातें करी हैं, एंड उसके बाद के कंटिन्यूएशन जो है हम उसी वे में कंटिन्यू करते जाएंगे। तो अभी तक हमने फंक्शनल डायग्राम ऑफ गामा कैमरा देखा था कि गामा कैमरा जो है वो कैसे काम करता है। उसके बाद हम लोगों ने ये देखा था कि क्वालिटी एश्योरेंस स्पेशली जो है आपका एक्सेप्टेंस टेस्टिंग करनी हो या डेली कोई क्वालिटी कंट्रोल प्रोग्राम सेटअप करना हो, वीकली हो, या मतलब जिसको बोलते हैं रूटीन क्वालिटी कंट्रोल प्रोग्राम्स, तो उसके बारे में कोई यूनिवर्सल एग्रीमेंट नहीं है लोगों के बीच में। और वो ऑप्शंस जो है मतलब वो वैरी किस कारण से करते हैं कि कितने नंबर ऑफ मिनिमम टेस्ट जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं, वो वहाँ पे लोगों के ओपिनियन वैरी करते हैं और उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था कि गामा कैमरा परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए कौन कौन से पैरामीटर्स हैं, तो उनको डिस्कस करा था हमने। उसके बाद हमने ये डिस्कस करा था कि क्वालिटी कंट्रोल जो जो प्रोसीजर्स जो हैं उसको डेवलप जो करती है अथॉरिटी, उसको हम लोग बोलते हैं मतलब बेसिक वो एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स। और वो कौन कौन सी एजेंसी जो है वो क्वालिटी कंट्रोल के स्टैंडर्ड्स जो है वो प्रोवाइड करती है। तो उसमें एक जो था कि नेमा था, नेशनल इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरर एसोसिएशंस नेमा। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि IEC, आई इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का IAEA का टेक डॉक, और अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ फिजिसिस्ट इन मेडिसिन AAPM का जो है वो डॉक्यूमेंट। ये लोग क्वालिटी कंट्रोल के स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ऑपरेशनल चेक्स जो हैं, एक्सेप्टेंस और रेफरेंस टेस्टिंग क्या होता है, और पीरियडिक QC टेस्ट राइट जो है वो कौन कौन से हैं। लाइक पीरियोडिक का मतलब क्या है, पीरियोडिक QC टेस्ट का मतलब डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली और एनुअल, राइट। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था एक जो रूटीन क्वालिटी कंट्रोल रिकमेंडेशंस फॉर न्यूक्लियर मेडिसिन इंस्ट्रूमेंटेशन, एक जर्नल आर्टिकल को हम लोग डिस्कस कर रहे थे विच इज पब्लिश्ड इन यूरोपियन जर्नल ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन मोलिकुलर इमेजिंग, इट वॉज 2010 में जो डॉक्यूमेंट पब्लिश हुआ था, राइट। उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था ऑलरेडी कुछ क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट, उसके पर्पस, उसकी फ्रिक्वेंसी और उस टेस्ट के बारे में हम लोगों ने कॉमेंट्स के बारे में डिस्कस किया था। उस टेस्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था, एक तो फिजिकल इंस्पेक्शंस की बात करी थी, दूसरा जो था कॉलीमेटर टच पैड और गैंट्री का इमरजेंसी स्टॉप जो है उसके बारे में डिस्कस किया था। फिर डिस्कस किया था कि एनर्जी विंडो सेटिंग्स ऑफ टेक्नीशियन 99M, फिर एनर्जी विंडो सेटिंग ऑफ अदर रेडियो न्यूक्लियाइड्स के बारे में डिस्कस किया था, और बैकग्राउंड काउंट रेट्स, उसके इम्पोर्टेंस, बैकग्राउंड काउंट रेट टेस्ट क्यों करते हैं, उसकी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी क्यों होनी चाहिए, ये सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस करी थी। नाउ अब यहाँ से शुरू होता है आज का क्लास। इसमें है फोटो पीक और विंडो सेटिंग। तो देखिए यहाँ पे फोटो पीक और विंडो सेटिंग में जो है एक चीज ध्यान रखना है, सेंटरिंग ऑफ द पीक इज इसेंशियल। पहला चीज मतलब पीक जो होना चाहिए, जो ये देखो ये गामा रे स्पेक्ट्रम बन रहा है और इसका पीक जो होना चाहिए इस सेंटर में होना चाहिए, मतलब आप जो भी विंडो सेट करें राइट, मेन एनर्जी जो होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए। जैसे मान लो कि 140 KB प्लस माइनस मान लो हम 10% ले रहे हैं, तो ये पीक एनर्जी जो होनी चाहिए वो 140 की होनी चाहिए, और 10% माइनस इधर रखना है और 10% इधर की तरफ रखना है। इसका पीक, ये स्पेक्ट्रम का पीक 140 KeV होना चाहिए राइट, और फिर प्लस माइनस आपको सेट करना है। यदि हम ऑफ पीक कर देंगे
यदि गलत करेंगे, यदि मान लो कि हम ऑफ पिक सेट कर रहे हैं तो इमेज पे क्या फर्क पड़ेगा, राइट? वो चीजें देखनी है हमें, करेक्ट? अब देखो यहां पे सेंटरिंग यदि है, ये देखो तीन इमेज दिखाया है, ठीक है, और ये दो लाइन जो दिख रहे हैं ना, ये एनर्जी के, ये लोअर विंडो साइड है और ये जो है अपर विंडो साइड है, तो इसका सेंटर जो है इसका पीक बनेगा, राइट? तो ये क्या बना है, देखो 10% भी देखोगे तो 10% इधर है, 10% इधर है, मतलब ये पूरे पीक को इंक्लूड किया है, ये करेक्ट सेटिंग है, करेक्ट सेटिंग है, तो इमेज देखो ऐसा आ रहा है, करेक्ट? मतलब ये यूनिफॉर्म यदि इमेज है तो इमेज भी जो, यदि यूनिफॉर्म फ्लड सोर्स है तो उसका इमेज भी जो है वो क्या आ रहा है, यूनिफॉर्म आ रहा है यहाँ पे। दूसरे केस में देखो यहाँ पे क्या है, एक विंडो जो है वो पिक पे है, इसका मतलब 140 यदि मान लो कि लो तो 140 का हायर लिमिट है और इधर जो है वो लोअर लिमिट है, ये आपका विंडो बना, तो ये लोअर साइड में आ गया विंडो, तो उस केस में क्या हुआ, देखो यहाँ पे क्या दिखने लगे, ये पीएम ट्यूब टाइप के पैटर्न्स दिखने लगे यहाँ पे, समझ में आ गया? दूसरी चीज यहाँ पे देखो, यदि इसी विंडो को क्या कर दिया हमने, हायर साइड में शिफ्ट कर दिया, तो जो यहाँ पे कोल्ड स्पॉट जो दिख रहा था वही चीज क्या हो गया, यहाँ पे हॉट स्पॉट की तरह दिखने लगा और ये आर्टिफैक्ट की तरह अपीयर होता है। इसलिए फोटो पिक और विंडो सेटिंग जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इसीलिए बोलते हैं हमेशा कि जब भी आप कोई भी क्लिनिकल टेस्ट कर रहे हो, पहला काम है आपको पिक करना और फोटो पिक विंडो को चेक करना, स्पेक्ट्रम एनालाइजर देखो, चेक करो कि उस रेडियो जिस रेडियो न्यूक्लियाइड की आप इमेजिंग कर रहे हो उस रेडियो न्यूक्लियाइड पे वो पिक्ड है या नहीं है, और दूसरा यदि वो सेंटरिंग प्रॉपर है, राइट, तो आप स्टडी करो, और नहीं तो यदि ऑफ रहेगा पिक तो उस समय पे आर्टिफैक्ट इस टाइप के अपीयर होंगे, ठीक है, क्लियर? ये मतलब है आपका। सो यहाँ पे वही देख, यहाँ पे यही बातें लिखी हुई है कि ऑफ पिकिंग जो है इट कॉजेस इमेजिंग आर्टिफैक्ट। नेक्स्ट इज व्हाट वुड हैपन इफ यू इमेज्ड ए पेशेंट विथ पिकिंग ऑफ रॉन्ग आइसोटोप। जैसे उस केस में भी आपको आर्टिफैक्ट दिखेंगे, जैसे मान लो कि आपने आयोडीन का पेशेंट लगाया और उसको आपने जो इमेजिंग जो कर रहे हो वो टेक्नीशियम पे कर लिया, तो वहां पर भी आर्टिफैक्ट्स दिखेंगे, उसी तरह से रिवर्स भी होएगा, राइट? जब भी आप आयोडीन का पेशेंट है, सॉरी टेक्नीशियम आपने इंजेक्ट कर रहा है और आयोडीन के विंडो पे में इमेजिंग कर लिए तो ठीक है। ये देखो ये ऑफ पिकिंग के एग्जांपल्स हैं, देखो क्रिएशन ऑफ लीजन इन द लीवर, यदि आपने ऑफ पिक की इमेज करी तो क्या होगा कि ऑलरेडी देखो यहां पे ये तो यूनिफॉर्म था, राइट? अब यहां पे देखो ये देख रहे हो क्लियर कट, यदि मान लो कि आपका ऐसा यूनिफॉर्मिटी का इमेज है, ये इमेज जो है वो यूनिफॉर्मिटी का इमेज है, तो जब आपकी यूनिफॉर्मिटी सही थी तो उस केस में लीवर का इमेज ऐसा था, राइट? और यहां पे जब आपने क्या किया कि ऑफ पिकिंग करी, तो ऑफ पिकिंग करी तो यही एरिया जो 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 यूनिफॉर्म दिख रहा था यहां पे अब क्या दिख रहा है, यस, आर्टिफैक्ट दिखने शुरू हो गए, तब इस आर्टिफैक्ट पे ही इमेजिंग ये सुपरइम्पोज्ड हो जाएगा, तो उस केस में ये लीजन्स की तरह ये अपीयर होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है? तो दिस कुड लीड टू एन इनअप्रोप्रिएट डायग्नोसिस, समझ में आया? यदि ऑफ पिक करोगे तो वो क्या हो सकता है, इट कुड लीड टू इनअप्रोप्रिएट डायग्नोसिस, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है कि लीजन जो है वो क्रिएट हो जा रहा है,
ठीक है, सिंस इट इज क्रिएटिंग ए लीजन, इसलिए वो वहां पे क्या होगा? यस, बहुत बढ़िया। ऑफ पिकिंग, लेकिन ऑफ पिकिंग इमेजिंग कहां कहां पे करते हैं? एग्जामिनर जो है स्पेशली इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो तो वाइवा में पूछता है, ठीक है, कि ऑफ पिकिंग का इमेजिंग हम कहां कहां पे करते हैं, राइट? तो ऑफ पिकिंग से रिलेटेड, ऑफ पिकिंग इमेजिंग जो है वो एक पहली बात तो याद रखनी है कि इट इज नॉट ए नेमा टेस्ट, मतलब ये नेमा टेस्ट का पार्ट नहीं है ऑफ पिकिंग इमेजिंग। ये क्या है? एक्सेप्टेंस टेस्ट और एनुअल टेस्ट। एक्सेप्टेंस टेस्ट वो टेस्ट होता है जब गामा कैमरा हमारे डिपार्टमेंट में अराइव होता है और एक्सेप्ट करने, बिफोर पुटिंग इट टू द क्लिनिकल यूज, हम लोग जो जो टेस्ट, क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट परफॉर्म करते हैं उस टेस्ट को हम क्या बोलते हैं? एक्सेप्टेंस टेस्ट कर बोलते हैं। और उसके बाद जो है एनुअली हम लोग बहुत सारे टेस्ट करते हैं, तो उसको वो चला जाएगा किसमें? एनुअल टेस्ट में चल जाएगा। साल में एक बार तो होना ही चाहिए, राइट? उसके बाद ऑफ पिक, तो ये ऑफ पिकिंग इमेजिंग जो है एक्सेप्टेंस टेस्ट के बारे टाइम पे करते हैं और एनुअल एक बार करते हैं। इट इज ऑफ पिकिंग का, ऑफ पिक इमेजिंग इज यूजफुल इन इवेल्युएटिंग डिटेक्टर ट्यूनिंग, मतलब जो डिटेक्टर की ट्यूनिंग जो है, पीएम ट्यूब जो ट्यून करते हैं तो वो ठीक ठाक से ट्यून्ड हुआ है नहीं हुआ है, वो ट्यूनिंग चेक करने के लिए हम लोग कई बार ऑफ पिक इमेजिंग करते हैं। ऑफ पिक इमेजिंग मे एक्सैगरेट एनी नॉन यूनिफॉर्मिटी दैट इज प्रेजेंट। यदि मान लो इसका फायदा क्या है कि यदि हम यूनिफॉर्म इमेज हमारे पास है, तो देखो यदि मान लो कि पीएम ट्यूब की ट्यूनिंग बिल्कुल अच्छी है तो उस केस में क्या होगा कि आपके पास यूनिफॉर्म इमेज मिलेगा, लेकिन यदि कोई भी पीएम ट्यूब जो होगा आउट ऑफ ट्यून होएगा तो उस केस में नॉन यूनिफॉर्मिटी रिजल्ट करती है, राइट? मेन रीजन जो है नॉन यूनिफॉर्मिटी का वो जो है आपका पीएम ट्यूब का ट्यूनिंग ठीक नहीं होना, राइट? तो यदि मान लो कि कहीं भी नॉन यूनिफॉर्मिटी होगी तो जैसे आप ऑफ पिक इमेजिंग करोगे तो वहां पे नॉन यूनिफॉर्म पैटर्न जो है वो दिखेगा इमेज में। इट इज टिपिकली यूज टू इवेल्युएट क्रिस्टल फॉर हाइड्रेशन, मतलब क्रिस्टल जो है कई बार क्या होता है, देखो सोडियम आयोडाइड क्रिस्टल जो है वो हाइग्रोस्कोपिक क्रिस्टल है, मतलब हाइग्रोस्कोपिक का मतलब क्या होता है कि इट कैन एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एनवायरमेंट। तो मॉइस्चर को जब जब एनवायरमेंट से उसको एब्जॉर्ब करेगा तो क्रिस्टल जो होते हैं सोडियम आयोडाइड के वो जो होते हैं वो स्वेल कर जाते हैं, राइट? और स्वेल कर जाते हैं तो उस केस में जो लाइट जो रिफ्लेक्ट होना चाहिए जो प्रॉपरली, वो प्रॉपर लाइट का रिफ्लेक्शन जो है वो नहीं हो पाता है, या एब्जॉर्प्शन रिफ्लेक्शन जो भी होगा, बाकी जो स्वेल नहीं हुए होंगे उनमें और जो स्वेल हो गए उनमें वो डिफरेंस आ जाता है। तो उस केस में क्या होता है, जब क्रिस्टल जो होगा जब हाइड्रेटेड होगा तो एक 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 मिजल्स जैसा ना, ऐसे ऐसे डॉट 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 जो है इस टाइप के पैटर्न्स अपीयर होते हैं यूनिफॉर्म इमेज में, उसको बोलते हैं मिजलिंग, राइट? या उसको बोला जाता है मिजल्स इफेक्ट, राइट? सो मिजल्स इफेक्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं? ऑफ पिक इमेजिंग करते हैं। और ऑफ पिक इमेजिंग कैन डिटेक्ट द लॉस ऑफ ऑप्टिकल कपलिंग, मतलब इससे क्या होगा, ऑफ पिक इमेजिंग करेंगे तो हमें क्या पता चलेगा कि डिटेक्टर की कपलिंग जो है, राइट, पीएम ट्यूब के साथ वो अच्छी है या नहीं है, वेदर दे आर प्रॉपरली कपल्ड और नॉट। यदि मान लो कि अच्छी सी कपलिंग होगी तो लाइट जो होगा वो, मतलब आपको यूनिफॉर्म ही इमेज दिखेगा, लेकिन यदि कपलिंग अच्छी नहीं होगी तो आर्टिफैक्ट की तरह अपीयर होगा, क्योंकि कहीं से हमें कम सिग्नल मिलेगा कहीं से ज्यादा मिलेगा, तो वो सिग्नल जो कम और ज्यादा का जो भी मिल रहा था, जब जो यूनिफॉर्मिटी का जो इमेज जो होगा वो थोड़ा भी नॉन यूनिफॉर्म होगा तो वो जाकर के वहां पे मैग्निफाई होकर के देखेगा, जो इस पॉइंट पे भी हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि इट मे एग्जैगरेट एनी नॉन यूनिफॉर्मिटी दैट इज प्रेजेंट, ठीक है? तो ये ऑफ पिक इमेजिंग कहां कहां पे करते हैं, और ऑफ पिक इमेजिंग जो है इट इज नॉट ए नेमा टेस्ट,
राइट इसका डिस्क्रिप्शन सर। सो यदि मान लो कि हम एग्जाम में ये पूछते हैं कि ऑफ पीक इमेजिंग के बारे में आप एक नोट्स लिखिए, तो आपको ये पर्टिकुलर चीजें आपको डिस्क्राइब करनी होती हैं, और एग्जामिनर वाइवा में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछता है। ओके देखो यहां पे बोथ एसिमेट्रिक विंडोज जो है, अब एसिमेट्रिक विंडो जो है हम क्या कर सकते हैं कि एक तो लोअर साइड में लगा सकते हैं और दूसरा जो होगा वो हायर साइड में लगा सकते हैं, मतलब पिक के फोटो पिक के लोअर साइड में विंडो शिफ्ट कर दिया और दूसरे केस में फोटो पिक के राइट साइड में हायर साइड में हमने विंडो फिक्स कर दिया। तो उस केस में दोनों ही केस में बोथ एसिमेट्रिक विंडो, एसिमेट्रिक विंडो ही होगा राइट। एसिमेट्रिक विंडोज इमेज जो होगा इट शोज क्लियरली मल्टीपल फोकल स्पॉट ड्यू टू क्रिस्टल हाइड्रेशन। अब यहाँ पे जो भी हम इमेज यहाँ पे दिखा रहे हैं वो जो है वो क्रिस्टल हाइड्रेशन से रिलेटेड है राइट। जहाँ पे देखो ये छोटे छोटे डॉट्स दिख रहे हैं ना, ये सारी चीजें ये डॉट्स राइट। यहाँ पे देखो पहले ब्लैक है और यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे व्हाइट आ गया। यही चीज जो था ब्लैक इज कन्वर्टेड इन टू द व्हाइट राइट। तो डिस्क्रीट हॉट स्पॉट कब, ये एग्जामिनर जो क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे कि हॉट स्पॉट जो है वो कब अपीयर होएगा। तो डिस्क्रीट हॉट स्पॉट अपीयर्स इन केस ऑफ एसिमेट्रिक लोअर लो एनर्जी विंडो में। यदि एनर्जी विंडो लोअर साइड में यदि सेट करेंगे तो उस केस में क्या होगा, हॉट स्पॉट अपीयर होगा। और जब भी डिस्क्रीट हॉट डिस्क्रीट कोल्ड स्पॉट जो होगा वो कहाँ पे अपीयर होता है, एसिमेट्रिक हायर एनर्जी विंडो में इमेज दिखता है। हायर साइड में यदि तुम एसिमेट्रिक विंडो सेट करोगे तो कोल्ड स्पॉट दिखेगा, और वही कोल्ड स्पॉट यदि लोअर साइड में एनर्जी को एसिमेट्रिक विंडो यदि आपने डाल दिया तो वही हॉट स्पॉट जो था वो कोल्ड स्पॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ गए सेम पॉइंट, ये चीज जो है वो याद रखनी है। देखो यहाँ पे हम लोग जो सिक्स नंबर जो टेस्ट की बात कर रहे थे वो टेस्ट का नाम क्या है, इंट्रिंजिक ऑब्लिक एक्सट्रिंजिक यूनिफॉर्मिटी एंड सेंसिटिविटी राइट। दो टेस्ट करना है, क्या इंट्रिंजिक ऑब्लिक एक्सट्रिंजिक यूनिफॉर्मिटी और सेंसिटिविटी दोनों किससे करना है, कौन से सोर्स से, तो सोर्स जो है टेक्नीशियम 99M है या कोबाल्ट 57 और डैश करके यहां पे लिखा है विजुअल। तो ये जो भी रिजल्ट जो हम करेंगे वो विजुअल हमें देख करके डिसाइड करना है कि उसकी यूनिफॉर्मिटी चाहे इंट्रिंजिक हो या एक्सट्रिंजिक हो वो ठीक है या नहीं है ठीक है। इस टेस्ट का पर्पस क्या है, पर्पस ये है कि टू टेस्ट द रिस्पॉन्स टू ए स्पेशली यूनिफॉर्म फ्लक्स ऑफ टेक्नीशियम 99M और कोबाल्ट 57 फोटोन्स फॉर यूनिफॉर्मिटी एंड ओवरऑल सेंसिटिविटी। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि हमें क्या करना है कि यदि हमारे पास कोई एक यूनिफॉर्म सोर्स है, स्पेशली यूनिफॉर्म सोर्स है राइट, जैसे कोबाल्ट 57 राइट, या यदि हम पॉइंट सोर्स को कॉलिमीटर रिमूव करके काफी दूर रखेंगे तब भी वहां से जो फोटोन फॉल होते हैं क्रिस्टल पे वो भी यूनिफॉर्म फॉल होते हैं, स्पेशली यदि डिस्टेंस जो हो वो डिस्टेंस कॉलिमेटर से सोर्स का डिस्टेंस जो हो 5 times द डायमीटर ऑफ यूजफुल फील्ड ऑफ व्यू का हो तो राइट, उस केस में यूनिफॉर्म फ्लड सोर्स यूनिफॉर्म सोर्स वो बन जाता है। तो यदि यूनिफॉर्म फ्लक्स है तो हमारा गामा कैमरा जो है वो कैसे रेस्पॉन्ड कर रहा है, मतलब गामा कैमरा का इमेज, गामा कैमरा जो है एक यूनिफॉर्म फ्लक्स का जो है सोर्स का इमेज कैसा बना रहा है वो हमें टेस्ट करना है, और दूसरी चीज कि सिस्टम की ओवरऑल सेंसिटिविटी जो है वो कितनी है, ये दो चीज टेस्ट करना होता है। और ये टेस्ट जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, डेली होना चाहिए। अब डेली टेस्ट में या तो आप इंट्रिंजिक करोगे या एक्सट्रिंजिक टेस्ट करोगे। तो यदि बोल रहे कि यदि आप इंट्रिंजिक कर रहे हो तो पहला का इंट्रिंजिक करो या एक्सट्रिंजिक करो, आपको इमेज जो है विजुअली ही देखना है,
और उस केस में आपको लो काउंट का इमेज एक्वायर करना है। लो काउंट मतलब 500 के से लेकर के 1000 के तक का भी इमेज जो होगा जो आप एक्वायर करोगे, उससे विजुअली आप देख करके ये डिसाइड कर सकते हो कि वो यूनिफॉर्म इमेज है या नहीं है, ठीक है। अब दूसरी चीज कि यदि आप इंट्रिंजिक टेस्ट कर रहे हो डेली रोज रोज, तो बोल रहे हैं कि पीरियोडिकली लाइक वीक में या 15 दिन के बाद जो है आपको एक्सट्रिंजिक टेस्ट भी करना चाहिए। उससे क्या होगा कि एक्सट्रिंजिक टेस्ट करने से कॉलिमेटर में यदि कोई प्रॉब्लम आ रहा है या कॉलिमेटर में कोई भी प्रॉब्लम है वो इमेज में रिफ्लेक्ट होगा और ये पता चल जाएगा आपको कि कॉलिमेटर के चलते तो कोई नॉन यूनिफॉर्मिटी तो नहीं आ रही है या कॉलिमेटर ठीक ठाक है मेरा। कॉलिमेटर एक्सट्रिंजिक यूनिफॉर्मिटी जब करेंगे तो वहां पे हमें हाई काउंट इमेज लेना पड़ेगा, राइट। बस यही बात है क्या, ताकि कॉलिमेटर में थोड़ा भी छोटा भी डेंट वगैरह जो होगा वो जाकर के दिखेगा। यदि वो वहां के केस में यदि हम हाई काउंट इमेज नहीं लेंगे तो उस केस में जो छोटे छोटे डेंट जो होते हैं जो कॉलिमेटर में कॉलिमेटर पे जो पर जाते हैं जिसका इफेक्ट जो है वो नहीं दिखेगा, लो काउंट इमेज में नहीं दिखेगा, इसीलिए हम लोग हाई काउंट का इमेज एक्वायर करते हैं। दूसरा जो चीज जो था उसमें क्या करना है, हमें सेंसिटिविटी, ओवरऑल सेंसिटिविटी देखनी है। तो जैसे मान लो कि आपका कोबाल्ट 57 का फ्लड सोर्स है, तो कोबाल्ट 57 के फ्लड सोर्स में आपको क्या पता है, कोबाल्ट 57 के फ्लड सोर्स में ये पता है कि ये कितना मिलीक्यूरी का सोर्स है, तो उससे आप मेगा बेकुरेल या मिलीक्यूरी दो कैसे भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो मेगा बेकुरेल आपको पता चल गया कि इतना मेगा बेकुरेल का मेरा सोर्स है, तो आज वो कितना सीपीएस बता रहा है, कितना काउंट पर सेकंड बता रहा है, तो इतना मेगा बेकुरेल का सोर्स इतना सीपीएस दे रहा है, तो सीपीएस पर मेगा बेकुरेल जो है वो डेली रिकॉर्ड करके रखना है, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि ओवरऑल सेंसिटिविटी जो है डेली कैसे वैरी कर रही है। समझिए, सीपीएस पर मेगा बेकुरेल जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कॉन्स्टेंट होना चाहिए, तब जाकर के पता चलेगा कि सेंसिटिविटी जो है इस केस में इफेक्ट नहीं हो रही है, अदरवाइज सेंसिटिविटी इज गेटिंग अफेक्टेड, ठीक है। सो ये एक था। उसके बाद जो है इंट्रिंजिक ऑब्लिक एक्सट्रिंजिक यूनिफॉर्मिटी एंड सेंसिटिविटी फॉर टेक्नीशियम 99M और कोबाल्ट 57 सेम टेस्ट है, लेकिन यहां पे क्या था, विजुअल इंस्पेक्शंस करना था, मतलब आंखों से देख करके आपको डिसाइड करना था, और इस केस में है क्वांटिटेटिव, हमें क्या करना है क्वांटिफाई करना है, क्या क्वांटिफाई करना है, एक्सट्रिंजिक और इंट्रिंजिक यूनिफॉर्मिटी को। इसको किस लिए करते हैं, अगेन इसका पर्पस क्या है, टू मॉनिटर द ट्रेंड इन यूनिफॉर्मिटी विथ क्वांटिटेटिव यूनिफॉर्मिटी इंडिसेस एंड टू चेक द सेंसिटिविटी। इसका पर्पस क्या है, इस टेस्ट का पर्पस है अगेन कि यूनिफॉर्मिटी को मॉनिटर करना, लेकिन किस वे में मॉनिटर करना, विथ रिस्पेक्ट टू क्वांटिटेटिव यूनिफॉर्मिटी। जैसे मान लो कि फर्स्ट डे हमने किया, आपका यूनिफॉर्मिटी जो था वो 4.5 आया, हो सकता है कि दूसरे डे नेक्स्ट डे यदि हम करते हैं वही टेस्ट तो ये कोई जरूरी नहीं है कि 4.5 ही आएगा, हो सकता है कि 3% आए, हो सकता है कि 5% से ऊपर जाए, तो ये क्वांटिटेटिव वैल्यू जो है यूनिफॉर्मिटी का वो कैसे वैरी कर रहा है, राइट। इसका पर्पस, इस टेस्ट का पर्पस, क्वांटिटेटिव करने का पर्पस ये होता है कि विथ रेस्पेक्ट टू क्वांटिटेटिव यूनिफॉर्मिटी इंडिसेस हम उसको मॉनिटर करें गामा कैमरा की क्वालिटी को, और दूसरा अगेन टू चेक द सेंसिटिविटी, वहां पे भी हमें सेंसिटिविटी को चेक करना होता है। ये टेस्ट जो है वो वीकली या मंथली करा जाता है, क्वांटिटेटिव के लिए रिकमेंडेशंस क्या है कि इसको वीकली या मंथली करें। अब देखो हमारे यहाँ जो काम होता है, हमारे यहाँ जो जब आपको बाल 57 सोर्स जब आप यूज करते हो तो उस केस में क्या होता है, एक क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन देता है, तो जी के कैमरा पे जब आप यूज करते हो तो 4000 के काउंट यूज करता है, और वहां पे जा करके आपके यूनिफॉर्मिटी के दो वैल्यूज प्रोवाइड करता है, एक इंटीग्रल यूनिफॉर्मिटी होती है, दूसरा जो होता है वो डिफरेंशियल यूनिफॉर्मिटी होती है। जैसे ये स्पेशली एग्जाम्स में ये प्रैक्टिकल्स भी आते हैं, और जैसे आप ये करके लेके जाओगे तो वो आपसे पूछेगा कि
डिफरेंशियल इनफॉर्मिटी कितनी है, इंटीग्रल इनफॉर्मिटी कितनी है। जीई के कैमरा में शायद किसी में या कुछ ऐसे भी कैमरास हैं जहां पे वो क्लियरली डिफरेंशियल और इंटीग्रल इनफॉर्मिटी दोनों के वैल्यूज नहीं प्रोवाइड करता, जस्ट एक यूनिफॉर्मिटी का वैल्यूज प्रोवाइड करता है और वो कुछ भी नहीं लिखता है। तो जब जैसे मान लो तुम एग्जामिनर एग्जामिनेशन में लेकर के जाओगे, तो जैसे एग्जामिनर आंसर शीट आपका मांगेगा, तो वो पूछना चाहेगा आपसे कि आपको पता है या नहीं है कि इंटीग्रल इनफॉर्मिटी और डिफरेंशियल इनफॉर्मिटी क्या होती है, उसका डिफिनेशन क्या है, उसको कैसे कैलकुलेट करना है, राइट। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं वो वाइवा के क्वेश्चन होते हैं, जो आप लोगों को ध्यान में रखना है, राइट। इसमें कमेंट्स में देखते हैं क्या बोल रहे हैं, द मोस्ट कन्वीनियंट मेथड जो है शुड बी सेलेक्टेड, मॉनिटर यूनिफॉर्मिटी इंडेक्सेस, वही द इंटीग्रल एंड डिफरेंशियल यूनिफॉर्मिटी इन द सेंट्रल एंड यूजफुल फील्ड ऑफ व्यू फ्रॉम ए हाई काउंट इमेज। याद रखिएगा पहला चीज कि जब हम यूनिफॉर्मिटी इंडिसेस निकालेंगे तो उस केस में हम हाई काउंट इमेज लेंगे, लो काउंट का इमेज नहीं लेंगे। जैसे 500K का नहीं लेंगे, 500K काउंट का विजुअली देख करके हम यूनिफॉर्मिटी डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन यदि क्वांटिटेटिव इंडिसेस निकालना हो तो कम से कम 4000 काउंट 4000K का तो काउंट लेना चाहिए, राइट, करेक्ट। अब यहां पे जो जो यूनिफॉर्मिटी के इंडिसेस जो है वो है इंटीग्रल यूनिफॉर्मिटी और दूसरा जो है डिफरेंशियल यूनिफॉर्मिटी, और ये कहां कहां पे निकालना है, सेंट्रल फील्ड ऑफ व्यू में और यूजफुल फील्ड ऑफ व्यू में। अब वहां पे एग्जामिनर ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि सेंट्रल फील्ड ऑफ व्यू क्या है, यूजफुल फील्ड ऑफ व्यू क्या है और फील्ड ऑफ व्यू क्या है, ये तीनों में डिफरेंस आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है क्या बोल रहे, इफ इंट्रिंजिक मेथड इज सेलेक्टेड ए हाई काउंट एक्सट्रिंजिक मेजरमेंट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड रूटीनली एंड स्पेशली व्हेन कॉलिमेटर डैमेज इज सस्पेक्टेड, राइट। अब देखो यहां पे बोल रहा है कि यदि मान लो कि हम डेली कर रहे हैं या वीकली कर रहे हैं, वीकली या मंथली में यदि हम काम कर रहे हैं, टेस्ट क्वांटिटेटिव कर रहे हैं, और हमारे पास ऑप्शन है कि हम इंट्रिंजिक करें या एक्सट्रिंजिक करें। यदि मान लो कि आप वीकली एक्सट्रिंजिक ही कर रहे हो, फिर भी आपको एक पीरियोडिसिटी बना के रखनी चाहिए कि हम कॉलिमेटर का भी विथ कॉलिमेटर भी ये यूनिफॉर्मिटी इंडेक्सेस निकालेंगे, राइट। और यहाँ पे इसलिए जरूरी है क्योंकि कॉलिमेटर में कोई डैमेज है या नहीं है वो पता चल जाता है, और स्पेशली यदि आप सस्पेक्ट कर रहे हो कि कॉलिमेटर में डैमेज होगा तो उस केस में तो आपको करना ही है टेस्ट विथ एक्सट्रिंजिक करना है, राइट। यूनिफॉर्मिटी करना है जिसमें आपको इंटीग्रल और डिफरेंशियल इनफॉर्मिटी के वैल्यूज निकालने हैं, ठीक है। और उसके बाद जो सेंसिटिविटी के लिए अगेन क्या करना है, आपको रिकॉर्ड रखने हैं वही सीपीएस पर मेगा बेकुरियल। तो आपको पता है कि कितने मेगा बेकुरियल का आपने सोर्स रखा था और कितने काउंट्स पर सेकेंड आ रहे हैं, वो वैल्यूज आपको रिकॉर्ड रखना है सीपीएस पर मेगा बेकुरियल एंड टू चेक सेंसिटिविटी। तो सेंसिटिविटी चेक करने के लिए सीपीएस पर मेगा बेकुरियल इज एनफ, ठीक है। आठवां टेस्ट जो है, एट्थ टेस्ट जो है, वो इंट्रिंजिक यूनिफॉर्मिटी फॉर अदर रेडियोन्यूक्लाइड्स। देखो हम लोग अभी तक क्या कर रहे थे, टेक्नीशियम 99M और कोबाल्ट 57 से कर रहे थे सोर्स। कोबाल्ट 57 और टेक्नीशियम 99M से डेली या वीकली मंथली इसलिए रिकमेंडेड है क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स जो हम लोग रेडियो आइसोटोप यूज कर रहे हैं वो टेक्नीशियम 99M ही यूज कर रहे हैं, लेकिन हम कई बार टेक्नीशियम 99M के अलावा अदर रेडियो न्यूक्लियाइड भी यूज करते हैं। जैसे मान लो कि हम लोग आयोडीन का भी तो करते हैं टेस्ट, और हम लोग ल्यूटीशियम करते हो, राइट। तो अदर एनर्जी यदि आप यूज कर रहे हो तो उस रेडियो न्यूक्लियाइड को भी यूज करके इंट्रिंजिक यूनिफॉर्मिटी करना चाहिए। तो एक रिकमेंडेशन ये भी है। इसका पर्पस क्या है, टू टेस्ट द रेस्पॉन्स ऑफ स्पेशियली यूनिफॉर्म फ्लक्स ऑफ फोटॉन्स इमिटेड बाय अदर क्लिनिकली यूज्ड रेडियो न्यूक्लियाइड, राइट। मतलब बेसिकली अदर यदि रेडियो न्यूक्लियाइड जो हम लोग यूज करते हैं
उसका स्पेशियली यूनिफॉर्म यदि फ्लक्स सोर्स है तो उसका हमारा गामा कैमरा जो है वो कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है या उसका इमेज कैसा वो बना रहा है वो देखना, क्योंकि अदर रेडियो न्यूक्लियाइड का यदि यूनिफॉर्म सोर्स है तो वो भी इमेज जो होना चाहिए वो यूनिफॉर्म आना चाहिए। ये टेस्ट जो है इसका रिकमेंडेशन जो है वो है 3 मंथली है, 3 महीने के बाद एक बार करने का है। यूनिफॉर्मिटी ऑफ डिटेक्टर रेस्पॉन्स, कॉमेंट्स में क्या बोल रहा है, द यूनिफॉर्मिटी ऑफ डिटेक्टर रेस्पॉन्स फॉर एवरी रेडियो न्यूक्लियाइड इन यूज शुड बी टेस्टेड पीरियोडिकली। मतलब जो जो क्लिनिकली हम लोग रेडियो न्यूक्लियाइड यूज करते हैं उससे हमें यूनिफॉर्मिटी जो हम डिटेक्टर की यूनिफॉर्मिटी जो है वो चेक करना चाहिए। फ्रीक्वेंसी ऑफ द टेस्ट शुड बी एडजस्टेड टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द यूज ऑफ द रेडियो न्यूक्लियाइड इन द क्वेश्चन। अब बोल रहे हैं कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ द टेस्ट शुड बी एडजस्टेड टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द यूज ऑफ रेडियो न्यूक्लियाइड इन द क्वेश्चन। इसका मतलब ये हुआ कि जिस फ्रीक्वेंसी से, जैसे मान लो कि आप आयोडीन का कर रहे हो, तो यदि बार आयोडीन डेली हो रहा है, चाहे मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स हम लोग आयोडीन कर रहे हैं, तो इसका टेस्ट की फ्रीक्वेंसी थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी। और बहुत कम बार करते हैं, कम कम बार, तो कुछ दिन के बाद भी कर, मतलब वो इंटरवल जो होना चाहिए, जैसे मान लो कि हम हर 2 महीने या 3 महीना पे करते हैं कोई रेडियो न्यूक्लियर, तो 3 महीने के बाद आप चेक कर सकते हो एक बार, तो वो पीरियडिसिटी आपको देखनी पड़ेगी। ठीक है, इंट्रिंजिक फ्लड यूनिफॉर्मिटी मेजरमेंट के लिए क्या करते हैं, उसका ये टेस्ट का प्रोसीजर है। यहां पे क्या करते हैं, देखो एक टेक्नीशियम 99M का एक सोर्स है यहां पे, राइट। ये सोर्स को देखो तो ये लेड से, ये चारों तरफ तीनों तरफ से घिरा हुआ है लेड से। इसका मतलब सोर्स से जो भी रेडियो एक्टिविटी, जो फोटोन्स जो इमिट हो रहे हैं वो इस डायरेक्शन में तो नहीं जा रहे हैं, सारे के सारे ऑब्जर्व हो जा रहे हैं, सिर्फ इधर से जो खुला हुआ है वो इधर से ही फोटोन जो होंगे वो इस डिटेक्टर पे जाकर के हिट करेंगे, राइट। पहली बात। दूसरी चीज यहां पे देखो कि 1 mm का कॉपर प्लेट लगाया हुआ है, राइट। तो 1 mm का कॉपर प्लेट जो यहां पे लगाया हुआ है वो क्या करेगा, इससे क्या होगा कि जो जो स्कैटर फोटोन्स जो भी होंगे, मतलब कुछ ऐसी चीज जो बीम जो होगी ना, ये यहां से इससे होकर के चलेगी। आप समझ रहे? हाँ, बहुत बार क्या करते हैं लोग कि यहाँ पे ना एक होल कर देते हैं, वो बिल्कुल एक छोटा सा बिल्कुल पॉइंट की तरह होल होता है, जिस होल से हो करके ये फोटोन्स जो है वो निकलते हैं। मतलब जितना ज्यादा पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव करेगा उतना ही यूनिफॉर्म जो होगा यहाँ पे सोर्स बनेगा, राइट। ठीक है, डिस्टेंस जो है, देखो सोर्स डिस्टेंस बताया है कि इस गामा कैमरा के क्रिस्टल फेस से इस सोर्स की दूरी जो होनी चाहिए वो सोर्स डिस्टेंस शुड बी ग्रेटर देन 5 times ऑफ फील्ड ऑफ व्यू ऑफ द गामा कैमरा। ये जो गामा कैमरा का जो फील्ड ऑफ व्यू जो है उससे 5 times ज्यादा होना चाहिए। देखो यहां पे एक क्या लिखा, PBFOV मास्क, मतलब ये इसको क्या कर, कई बार क्या करते हैं लोग कि जो पहले के जो कैमरा में आते थे सर्कुलर टाइप का होता था, तो एक ना एक राउंड लेड का ये बना होता था, जो उसी पे जा करके वो बिठा देते थे, मतलब कि सिर्फ जो होगा जो यहाँ पे लेड का जो मास्क होगा वो इमेज में इट विल नॉट टेक पार्ट इन द इमेज फॉर्मेशंस। मतलब कि ये जो लेड का जो ये जो मास्क दिख रहा है, FOV मास्क जो दिख रहा है, यहाँ पे जो भी फोटोन जो फॉल होंगे वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे, तो आपका FOV जो है वो सिर्फ यहाँ से लेकर के जो जो जहाँ पे लेड नहीं है उतना ही दूर का बनेगा, समझ गए, करेक्ट। तो फील्ड ऑफ व्यू जो होगा वो यही बनेगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यस। मतलब ऐसे यदि इसको खींचे तो आप इसमें देखोगे तो यहां से लेकर के ये बनेगा आपका फील्ड ऑफ व्यू, सॉरी हाँ ये वाला, यही डिस्टेंस बनेगा, करेक्ट, ये आपका FOV बनेगा। ठीक है, तो ये जो है इंट्रिंजिक फील्ड ऑफ व्यू जो है आपका
एक्सपेरिमेंटल सेटअप है जब आप इंट्रिंजिक यूनिफॉर्मिटी का टेस्ट करते हो। इसमें देखो गामा कैमरा को क्या किया है, हेड को वो बिल्कुल वर्टिकल कर दिया है, राइट। और ये दीवार की तरफ चला जाएगा, दूसरे दीवार की तरफ चला जाएगा, सोर्स जो होगा यदि इधर रखोगे तो ये पर्टिकुलर सेटअप जो है वो क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। इसका दूसरा डायग्राम ऐसे भी है, ये सेम चीज है। देखो यहाँ पे पॉइंट सोर्स, अब देखो कई बार ना एग्जामिनर यहाँ पे एक भी क्वेश्चन पूछता है कि आपको पॉइंट सोर्स बना के लाना है। जैसे आप बात करते हो पॉइंट सोर्स की बात, जब स्पेशली यदि मान लो कि आप एक्सट्रिंजिक टेस्ट करके लेकर के गए हो, तो वो एग्जामिनर जो होगा वो आपसे पूछेगा इंट्रिंजिक के बारे में भी पूछेगा। चलो ठीक है, आपने एक्सट्रिंजिक सोर्स से तो करके लेकर के आ गए, राइट। यदि इंट्रिंजिक होता तो उसके लिए प्रोटोकॉल बताओ, तब आप बोलते कि हम एक पॉइंट सोर्स रखेंगे। जैसे आप पॉइंट सोर्स की बात करोगे, वो पॉइंट सोर्स के बारे में क्वेश्चंस पूछने वाला है कि पॉइंट सोर्स कैसे प्रिपेयर करते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है उस समय पे कि पॉइंट सोर्स जो बनना चाहिए वो उसका साइज क्या होना चाहिए। तो उसका साइज जो होना चाहिए पॉइंट सोर्स का, देखो लिखा भी हो लेस देन 1 ml, ठीक है, लेस देन 1 ml, तो 0.5 ml जनरली आप यदि आंसर करते हो कि जो भी पॉइंट सोर्स बनाएंगे उसका साइज जो होना चाहिए, उसका वॉल्यूम जो होना चाहिए 0.5, इट्स गुड 0.5 ml, ठीक है। बाकी वो तो सोर्स टू डिस्टेंस वो 5 times है ही यहाँ पे, कि लार्जेस्ट डिटेक्टर का डायमेंशन होना चाहिए, राइट। और स्ट्रिंजिक यहाँ पे जो दिखाया आपको कोबाल्ट 57, यदि मान लो कि आपको स्ट्रिंजिक करना है तो वैसे भी कोबाल्ट 57 का फ्लड सोर्स जो है वो इसी के ऊपर रख देते हो, राइट, कोलिमीटर के ऊपर ही रख देते हो आप, ठीक है। देखो उस केस में डिपेंड करता है, जैसे मान लो कि आपका डीवेलेट गामा कैमरा है, राइट, तो ड्यूअल हेड गामा कैमरा है, तो पहली चीज तो ये है कि जो वेंडर जो भी जो प्रोवाइड कर रहा है उसके पास ऐसी भी फैसिलिटी को कि दोनों ही हेड का एक्विजिशन जो है वो साइमल्टेनियस कर सकते हो, राइट। तो उस केस में वो लोग ना एक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं आपको कि इसी सपोर्ट पे जो है आप फ्लड सोर्स रखो, राइट। जैसे वो लोग डिक्वायर टाइप का कॉलिमीटर भी प्रोवाइड कर देते हैं कि अब एक जैसे जी ने प्रोवाइड किया हुआ है, एक सपोर्ट दिया हुआ है कि उसको सपोर्ट को जब रखोगे उसके बेड पे, राइट, एक तो वो क्या उस सपोर्ट के ऊपर यदि फ्लड सोर्स आप रखते हो और दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है सेम रखना है, मतलब फ्लड सोर्स से जो एक डिटेक्टर हेड 1 और डिटेक्टर हेड 2 जो है दोनों का डिस्टेंस फ्लड सोर्स से वो हाँ लगभग समान कर दोगे, सेम कर दोगे, तो आपका दोनों ही हेड का एक्विजिशन आप एक साथ कर सकते हो। आप चाहते हो कि अलग अलग करना तो आप अलग अलग भी कर सकते हो कि एक को स्विच अप कर दो दूसरे को करो। या वो डिपेंड करता है कि जैसे मान लो कि सीमेंस ने किया हुआ है उस टाइप की फैसिलिटी दी हुई है कि आप दोनों ही हेड को एक साथ एक इंट्रिंजिक जो है कर सकते हो। उनके पास ना बेड में जो होता है, जो बेड के दूसरी साइड जो होता है वो एक जो जहां पे कॉलिमेटर का बेड, जहां पे पेशेंट का बेड जो है, जब अंदर पेशेंट जब जाता है गैंट्री के अंदर, तो एक उधर से सपोर्ट होता है उनके पास जिसको होल्ड करता है बेड को, राइट, समथिंग उसके ऊपर स्लाइड करता है, तो उसी सपोर्ट में वो लोग एक अटैचमेंट उन्होंने प्रोवाइड करा है कि जिस अटैचमेंट में आप पॉइंट सोर्स जो है लोकेट कर सकते हो। उस पर्टिकुलर पॉइंट सोर्स को जब दोनों सेंटर हेड दोनों डिटेक्टर के हेड में रख दोनों डिटेक्टर के बीच में रखते हो तब आप एक्विजिशन कर सकते हो। लेकिन उस केस में जो भी मैन्युफैक्चरर का जो प्रोटोकॉल है उसी प्रोटोकॉल को फॉलो करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस केस में पॉइंट सोर्स और डिटेक्टर के बीच में 5 times जो है ये डिस्टेंस जो है उससे ये सोर्स टू कॉलिमीटर डिस्टेंस जो है इट इज नॉट मोर देन 5 times द लार्जेस्ट क्रिस्टल डायमीटर, वो नहीं है, इसलिए उस केस में यूनिफॉर्म सोर्स नहीं बनेगा, इट विल नॉट बी फ्लडेड विद द यूनिफॉर्म सोर्स,
डिटेक्टर जो होगा वो फ्लड नहीं हो पाएगा। तो आपको उस केस में कर्वेचर करेक्शंस करना पड़ता है, जो कंपनीज के पास ही वो सॉफ्टवेयर होता है जहां पे इंटरनल कर्वेचर करेक्शंस करके वो इमेज को यूनिफॉर्म बना देते हैं। ठीक है, समझ गए? तो उस केस में आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, इंट्रिंजिक यूनिफॉर्मिटी में क्वांटिटेटिव में यदि देखोगे तो क्वांटिटेटिव टेस्ट में जो है क्वालिटेटिव मतलब जो विजुअल तो है, तो इंस्पेक्शन जैसे करना है फॉर वेरिएशन इन ब्राइटनेस एंड डेंसिटी, दो चीज कि ब्राइटनेस कैसी है और डेंसिटी कैसा है, मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स जो पर यूनिट एरिया में जो आ रहे हैं वो उसमें वेरिएशन तो नहीं है, वो देखना है। तो यदि ब्राइटनेस भी चेंजेस ब्राइटनेस में वेरिएशन हो या आपके डेंसिटी में वेरिएशन हो तो उस केस में यूनिफॉर्मिटी जो है वो गड़बड़ हो सकती है। लेकिन क्वांटिटेटिव जो होगा वो उसमें दो तरह के इंडिसेस होते हैं, एक जो होता है वो इंटीग्रल यूनिफॉर्मिटी, दूसरी जो होती है डिफरेंशियल यूनिफॉर्मिटी होती है, राइट? और ये दोनों ही इंडिसेस जो हैं इंटीग्रल और डिफरेंशियल वो सेंट्रल फील्ड ऑफ व्यू और आपका यूजफुल फील्ड ऑफ व्यू के लिए कैलकुलेट होना चाहिए। यूजफुल फील्ड इंटीग्रल यूनिफॉर्मिटी का फॉर्मूला जो है वो है मैक्सिमम माइनस मिनिमम डिवाइडेड बाय मैक्सिमम प्लस मिनिमम। ये मैक्सिमम और मिनिमम जो वर्ड जो है वो नंबर ऑफ मैक्सिमम काउंट्स है, राइट, इन यूजफुल फील्ड ऑफ व्यू। मतलब इस जैसे मान लो कि ये डॉट डॉट जो दिख रहा है आपको, यदि ये यूजफुल फील्ड ऑफ व्यू है तो इस पूरे एरिया में मैक्सिमम किस पिक्सल का काउंट था, कितना था वो लेना है, और मिनिमम काउंट कितना था वो लेना है। तो मैक्सिमम काउंट माइनस मिनिमम काउंट डिवाइडेड बाय मैक्सिमम काउंट प्लस मिनिमम काउंट, अब इसको सॉल्व करोगे मल्टीप्लाइड बाय 100, ये आपको इंटीग्रल यूनिफॉर्मिटी देगा। और डिफरेंशियल यूनिफॉर्मिटी के लिए फॉर्मूला है हाई माइनस लो डिवाइडेड बाय हाई प्लस लो इनटू 100। लेकिन यहां पे हाई और लो का क्या डेफिनेशन है मैक्सिमम काउंट ही, हाई जो है वो भी मैक्सिमम काउंट ही है और मिनिमम जो है वो लो काउंट है। लेकिन यहाँ पे डिफरेंशियल यूनिफॉर्मिटी जब कैलकुलेट करते हैं तो उस समय पे हम कंटिगुअस 5 pixels लेते हैं, समझे? 5 pixels, तो ये 5 pixel में जो मैक्सिमम और मिनिमम होगा, राइट, तो एक वैल्यू आएगा, फिर उसको स्लाइड कर देंगे 1 pixel, फिर 5 pixel का बनेगा वैसे, उसमें मैक्सिमम और मिनिमम होगा, ऐसे करके हर हर पॉइंट के लिए क्या होगा एक एक यूनिफॉर्मिटी का वैल्यू आएगा। अब इसमें से जो मैक्सिमम और मिनिमम जो होगा वो वैल्यू जो होता है वो आपका डिफरेंशियल यूनिफॉर्मिटी रिपोर्ट होता है। ओके, सो हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं, राइट, और इसके बाद का लेक्चर जो है यहां से कंटिन्यू करेंगे। सो विल स्टॉप इट हियर। ओके, थैंक यू।